हेलो यूट्यूब फैमिली, आज लेके आए हैं मोमोज़ की रेसिपी। सबसे पहले देख लेते हैं मोमोज़ की ये लाल चटनी। ये तीखी चटनी कैसे बनती है? असली स्वाद तो इस चटनी से ही आता है ना। एक कप पानी को उबाल लीजिए। अब इस गर्म पानी में डाल दीजिए टमाटर, 4 से 5 टमाटर। और साथ में डाल दीजिए सूखी लाल मिर्च, 4 से 5। लिड को हटा के देखिए, अब टमाटर रेडी हो गए हैं। अब इन्हें ग्राइंड कर लीजिए मिक्सी में लाल मिर्ची के साथ। एक चम्मच ऑयल और साथ में डाल दीजिए लहसुन का पेस्ट। यहीं पे ऐड कर दीजिए 1 चम्मच शुगर भी। ये जो तैयार टमाटो पेस्ट है, अब आप इसमें डाल दीजिए ये मसाला। अब देख लेते हैं मोमोज का डो कैसे बनाएं। एक कप मैदा ले लीजिए। हाफ टेबल स्पून रेड चिली और साल्ट। अब इसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच ऑयल और उसको गूंद लीजिए, डो बना लीजिए इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमारा मैदे का आटा अब तैयार है और उसके ऊपर डाल दीजिए ऑयल। क्लिंग से इसे कवर कर दीजिए, रेस्ट पे रख दीजिए 10 मिनट के लिए। घर के बने हुए पनीर यानी छेना में अब डाल दीजिए कटे हुए प्याज, 1 कटा हुआ प्याज। छेना और प्याज के साथ अब मिला दीजिए साल्ट यानी नमक और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। बॉल का एक टुकड़ा लेकर आप उसे बेल लीजिए।
फिलिंग को बीचों बीच में रख कर अब फोल्ड करना शुरू करिए मोमोज बनाने के लिए इस तरह से। ये देख लीजिए इस तरह से हो जाएगा रेडी। डेढ़ कप पानी को थोड़ा उबाल लीजिए और उस पर रख दीजिए स्टैंड और उसके ऊपर रख दीजिए जालीदार छन्नी और अब डाल दीजिए मोमोज। अच्छे से स्टीम लगने के बाद 15 से 20 मिनट में ये हो जाएंगे रेडी। अब यहाँ पे कर लेते हैं मोमोज की प्लेटिंग और रख देते हैं अब इन मोमोज को बनाई हुई हमारी चटनी के साथ, मोमोज की चटनी। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।